ये सैन फ्रांसिस्को में दिन के वक्त का मंजर है समंदर के किनारे वाकई ये शहर इस वक्त तकरीबन नाकबले शनाख्त है गोल्डन गेट ब्रिज को देखें, इसका रंग अपना भी नारंगी आसमान के रंग में ढल गया है फिजा में मौजूद धुएं और राख के पीछे सूरज छुप चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो 11, सुबह के सवा ग्यारह बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात का वक्त हो सुनने में आया है कि ये से आ रहा है जो कि सैकड़ों मील दूर है और अब ये बिल्कुल क्यामत का मंजर पेश कर रहा है ऐसे लग रहा है कि दिन में रात हो गई है लॉस एंजल्स में आसमान का रंग मामूल के मुताबिक है लेकिन धुआं अभी भी मौजूद है धुन ने तकरीबन पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस धुंध की वजह कैलिफोर्निया और शुमारी इलाकों में बेकाबू होने वाली यह आग है ये एक गांव का ट्रेलर पार्क है यहाँ इस आग की वजह से लोगों की जायदादें और जिंदगियां तबाह हो गई हैं। पुलिस अफसर आ रहे थे जा रहे थे और तीसरे दर्जे की वार्निंग दी बाहर निकलो बाहर निकलो कुछ कागजात उठाए और कुछ चीजें ली और निकल गई तो बस अब यही है, मेरे पास। मेरे पास है। so औरगन और इसकी पड़ोस रियासतों में गुजश्ता कई बरसों में ये इस नोयत का पहला वाक है इस कदर तबाह आग की मिसाल मिलना मुश्किल है और ये आग अब भी जल रही है